नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। हमारे चैनल पर आप जो कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आप देखिए हमारे चैनल को ध्यान से, बहुत सारे विषयों पर बता चुके हैं और आपको बताते रहेंगे। तो ये चैनल अब आपके बहुत काम का चैनल हो गया है। आपके सुझावों पर इतना ध्यान देते हैं कि अब हम आपके सुझावों पर श्रृंखला शुरू कर देते हैं। शावर मंत्रों की मांग आई थी, मैंने शावर मंत्रों की श्रृंखला शुरू कर दी। आपको मोहिनी शावर मंत्र, यानी वो शावर मंत्र जो मोहते हैं, वशीकरण करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फूल सुनाकर पिज्जा मैंने आपको वीडियो दिया था, ये वीडियो भी फूल पे ही है। पहले मंत्र देखिए। ओम कामरु देश कामाख्या देवी तहां बसे स्माइल योगी। स्माइल योगी ने बोई बारी, फूल उतारे लोना चमारी। एक फूल हंसे दूसरा विकसे, तीजे फूल में छोटा बड़ा नाहर सिंह बसे। जो सुंगे इस फूल की बास, सो आवे हमारे पास। और के पास जाए हियो फाट मर जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये वो शावर मंत्र है जो आपको सम्मोहन में, वशीकरण में किसी स्त्री पुरुष की मदद करेगा। कैसे करेगा? किसी शुभ रविवार को, शुभ सबके लिए अलग अलग हो सकता है, अपने पंडित आचार्य ज्योतिषी जो भी है उनसे पूछ लें, किसी शुभ रविवार को नहा धो के पवित्र होकर बैठ जाए और फिर ये सामग्री देखें, लिस्ट क्या है आपको इकट्ठा करना है। सुपारी, पान, लौंग, फूल, मिठाई, दीपक, गुगुल या लोबान या फिर अगरबत्ती, जो भी इन दिनों में मिल जाए। सबसे पहले स्नान करके पूजा करें। स्नान जब आप कर रहे हो तब भी ये मंत्र पढ़ते रहें, अच्छा ही है। ऊपर जो चीजें दी थी आपको, एक एक करके पान पर चढ़ाएं, पान का पत्ता उस पर चढ़ाएं और धूप दीप दिखाकर आग जलाएं। आग मतलब हवन की आग, छोटा सा हवन कुंड जो बाजार मिलते हैं उसमें जला लें। आम की लकड़ी से आग जला सकते हैं। और फिर क्या करना है आपको, ये मंत्र जो बताया आपको पढ़ते रहें, एक एक फूल घी में डुबो कर हवन करते रहें। घी मतलब शुद्ध देसी घी। ऐसे 108 फूलों की आहुति दें और ये आहुति देते हुए मंत्र आपका चलता रहना चाहिए। और उसके बाद फिर अलग से 108 बार फिर इस मंत्र का जाप करें। ये क्रिया करें 21 दिन तक। 21 दिन के बाद 22वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। ये सामर्थ्य अनुसार, जितना आप भोजन करा सकते हैं, जितनी आप दक्षिणा दे सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार काम करें। और इतने दिनों आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, सादगी, पवित्रता, मांस मदिरा, दैहिक संबंध सबसे दूर रहना है। उसके बाद फिर हो गया मंत्र सिद्ध और काम हो गया आसान। जिसे भी वशीभूत करना हो, कभी भी एक फूल लें जो उस व्यक्ति को पसंद हो, उस पर 7 बार इस मंत्र को पढ़ें, फूल हो जाएगा अभिमंदित, उस व्यक्ति को सुंघा दें, वो आपके प्रति हो जाएगा आकर्षित। यह है तरीका शावर मंत्र का, अपना शक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। आप इसे सही से करें जैसे बताया गया, आपको भी इसका लाभ होगा। और हमारे चैनल ओम आलोक को देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और क्लिप पर। नमस्कार।